हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्या वर्कआउट करने से हमारी हाइट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमारी हाइट बढ़ती है या नहीं बढ़ती। सो मैं सारे मिथ आपके सारे क्लियर करूंगा। वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि हम जिम जाएँ कि नहीं जाएँ, जिम जाने से हमारी हाइट नहीं रुक जाए। बहुत से लोगों को क्वेश्चन, कुछ लोग कुछ इसका आंसर देते हैं, कुछ लोग कुछ इसका आंसर देते हैं। सारे मिथ आपके मैं क्लियर करता हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपकी हाइट रुक सकती है। सबसे पहले आपको सारे बॉडी पार्ट ट्रेन करने हैं। आपको शोल्डर और लेग्स में कुछ एक एक्सरसाइज बताऊँगा, वो आपको नहीं करना है जिस कारण आपकी हाइट में इफेक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको शोल्डर की कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी। शोल्डर में ओवरहेड प्रेस होता है, आपको वो नहीं करना है। ओवरहेड प्रेस आपको क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसका कनेक्शन हमारे स्पाइन से होता है, और जो अगर आप उसको हैवी लिफ्ट करेंगे तो आपके स्पाइन पे स्ट्रेच आएगा, तो उसके कारण आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। आप दूसरी एक्सरसाइज भी ले सकते हैं। फ्रंट रेज कर लीजिए, लेट कर लीजिए, रॉड से अपराइट रो कर लीजिए। बहुत सारी एक्सरसाइज आप शोल्डर कर सकते हैं, लेकिन आप ओवर द हेड एक्सरसाइज अवॉइड करें। इसके बाद आता है आपको लेग्स। लेग्स में आपको हैवी स्क्वाट्स नहीं मारना है। आप डंबल से स्क्वाट मार सकते हैं। हैवी स्क्वाट मारेंगे तो आपके वही स्पाइन पे लोड आएगा, उसके कारण आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। बाकी आप सारे लेग्स में भी लेग कर्ल मार लीजिए, लेग एक्सटेंशन मार लीजिए, सारे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वाट्स भी मारना है तो आप डंबल स्क्वाट्स मार सकते हैं, लेकिन आपको स्क्वाट्स वेटेड स्क्वाट रॉड से नहीं मारना है, उसमें आपका स्पाइन इफेक्ट करेगा। अपन स्क्वाट्स मारेंगे तो हमारे हाथ नीचे रहेंगे, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो और आप जिम में हैंगिंग एक्सरसाइज करिए, चिन अप पुल अप करिए, ये आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे, आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेच होगी। तो ये बहुत से लोगों को ये बोलते हैं कि आप जिम मत जाओ, आपकी हाइट रुक जाएगी। जब मैंने भी जिम स्टार्ट करा था, मेरी 5'6" थी, और अब मेरे को करते करते टाइम हो गया, 3 साल हो गया, तो मेरी 5'10" हो गई। तो ऐसा नहीं है कि जिम जाने से आपकी हाइट रुक जाएगी। और मेन हाइट का ये रहता है कि 15 to 21 ईयर्स तक बढ़ती है, मतलब मोस्टली 90% केसेज यही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं बढ़ेगी। सबके जेनेटिक्स, सबका बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी नहीं बढ़ेगी, लेकिन 90% केसेज में ऐसा होता है कि 15 to 21 ईयर्स तक आपकी हाइट बढ़ती है। तो आप अच्छे सारे जो मैंने बताया है कि आपको जो एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप वो एक्सरसाइज मत करो। ओवरहेड प्रेस, उसमें हमारी स्पाइन भी पूरा स्ट्रेच आएगा, और स्क्वाट्स मत करो। और आपको अगर ये करना भी है तो आप लाइट वेट से करो, ये नहीं कि आप हैवी वेट से कर रहे हो, तो अब आपकी पूरी स्पाइन पर स्ट्रेच आएगा, उससे आपकी हाइट पे जो हाइट आपकी नहीं बढ़ेगी। सो ये थे सारे मिस जो लोग बोलते हैं कि जिम मत जाओ, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप जिम में भी कुछ कुछ बातों का ध्यान रखो। जो मैंने दो एक्सरसाइज बताई हैं, आपको सिर्फ वो नहीं करना है, और आप वो करना भी चाहो तो लाइट वेट से करो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। और इसके पहले भी आपको क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है, मैंने 2 वीडियो बना चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके उसको भी चेक करना, आई बटन में। उसके मैं सारे लिंक आपको दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। सो आप वहाँ से आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, सब कुछ। और आप जिम नहीं जा रहे हैं तो घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो घर पे कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करना है, सारा मैंने कुछ उसमें बताया है। सो आप उसको चेक करना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को टैप कर देना, और एक फ्रेंड के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लर्न बाय, टेक केयर, पीस।